हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात मोटिवेशनल। आज हम शिवलिंग की महिमा के बारे में बात करेंगे। शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों उपासना संपूर्ण हो जाती है। शिवलिंग अर्थात प्रतीक, निशान या चिन्ह, इसे लिंग या शिवलिंगम भी कहते हैं। ये हिंदू भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। ये प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे प्राचीन प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ सिर्फ शिव का होना ही नहीं, अपितु ये मूक रूप से प्रकट होने वाली और सदा गतिमान रहने वाली उस परम चेतना का भी प्रतीक है। शिवलिंग शिव के किसी अंग का हिस्सा नहीं, अपितु समस्त शिव है। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज़्यादा चक्र मौजूद होते हैं। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षय, बिलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। सभी देवी देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान हैं जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के समय जब विष की उत्पत्ति हुई तो समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसे महादेव द्वारा ग्रहण किया गया। घर में पारे शिवलिंग रखना चाहिए जो चांदी और पारे से मिलकर बना होता है। इसके अलावा स्फुटिक शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर गलती से भी नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी का पत्ता, हल्दी, सिंदूर और केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको छोटी सी जानकारी आज शिवलिंग की महिमा के बारे में दिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।